आज आपको दास क्यों कहा? ओम आपको दास नहीं, दास की रोटियां क्यों खानी पड़ी? अब घास खाते कौन है? है घास कौन खाते हैं? है मनुष्य घास खाते हैं या जानवर घास खाते हैं? और जानवरों में भी शेर जैसे खूंखार पशु घास खाते हैं या साधारण पशु होते हैं वो घास खाते हैं? और महाराणा प्रताप की महिमा भारत के वीरों के बीच में होती है या साधारण मनुष्यों के बीच होती है? भारत में जितनी वीरता दिखाई गई है उतनी वीरता और किसी देश के वासियों में नहीं दिखाई गई है। जैनियों में लास्ट सो फर्स्ट और फर्स्ट सो फास्ट पार्ट बजाने वाला भगवान का पार्ट महावीर का दिखाया गया है। उस महावीर की पूजा माउंट आबू में आज भी वीर बाबा के रूप में होती है। इतना बड़ा वीर गाया जाने वाला और हिस्ट्री में दिखाया गया है घास की रोटियां खाता था। ऐसा होने का कारण ये है कि बाबा ने मुरली में बोल दिया है कि दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं है जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। हिंसक युद्ध तो किया लेकिन स्वाभिमान के लिए किया या स्वार्थ के लिए किया? स्वाभिमान के लिए किया। स्वाभिमान को बचाने के लिए हिंसक युद्ध भी करना पड़ा परंतु जानवर जैसे शेरों की तरह हिंसा नहीं की। अपने जीवन यापन के लिए किसी से भीख नहीं मांगी। जैसे आज की दुनिया में जो लोग होते हैं गरीब तो घास पात खा करके जिंदा रह लेते हैं। घास में कोई कम ताकत होती है क्या? जो दूब घास होती है वो ज्यादा ताकतवर होती है या कम ताकत वाली होती है? है ताकत तो बहुत है। उस घास से ही गाय का दूध बनता है। परंतु लोग घास को नीचा समझते हैं। घास हर जगह मिल जाती है
उनका मूल्य कुछ भी नहीं है। कहीं भी जंगल में जाओ, घास काट लो, साधारण खाद्य पदार्थों के मुकाबले घास में ज्यादा ताकत है। परंतु जो साहूकार लोग होते हैं वो घास को साधारण समझते हैं। भक्ति मार्ग में गीत भी बनाए हुए हैं, घास खाएं गऊए, दूध पिए ग्वाल और मक्खन मिश्री मदन गोपाल। तो गऊओं को साधारण बना लिया या गऊओं को महान बताया, क्या समझ लिया भक्तों ने? हैं? गऊओं को साधारण बना दिया। शिव बाबा आते हैं तो गऊओं की ही प्रधानता देते हैं, बताते हैं भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारा है। वो साधारण जीवन में पलने वाली गऊएं भारत को स्वर्ग बनाती हैं। स्वाभिमान से जीवन जीने की बात है, इसे नीचा नहीं समझना चाहिए। पराधीन हो करके मक्खन डबल रोटी भी मिले वो नीची चीज है, और स्वाधीन हो करके घास की रोटियां भी खानी पड़े तो वो अच्छी है। और जोर से बोलो, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हाँ हाँ क्यों फांसी लगाना किसी को ठीक है? फांसी लगाते हैं तो देह का नुकसान होता है, देह मरती है या आत्मा मरती है? हैं? देह मरती है। ऐसे थोड़े ही है कि फांसी लगाने से आत्मा सत्व प्रधान बन जाती है। फांसी लगाने वाले अथवा सुइसाइड करने वाले अथवा हत्या करने वाले अथवा जिनकी हत्या होती है वो सब भूत प्रेत योनियों में जाने वाले हैं, उससे तो नुकसान ही होता है। वेस्टेज ऑफ टाइम मनी और एनर्जी होता है। ये कोई ईश्वरीय दंड विधान नहीं है, ये आसुरी दुनिया के दंड विधान है कि कोई बड़ा पाप करता है तो उसे सूली पे चढ़ा दो। और है? उमर कैद की बात करें। उमर? उमर कैद। उमर कैद? आज की दुनिया के तो जितना भी दंड विधान है
वो ईश्वरीय दंड विधान के बिल्कुल उल्टा ही है। वहां देह के आधार पर उम्र कैद है, यहां तो हर बात ईश्वरीय ज्ञान में आत्मा के आधार पर है। कोई आत्मा अगर ईश्वरीय विधान के अनुसार नहीं चलती है, सारा ब्राह्मणत्व के जीवन में ईश्वरीय विधान के प्रतिकूल चलती है, तो जन्म जन्मांतर रावण की जेल में जन्म लेती है या स्वर्ग में जन्म लेती है, क्या होता है? हैं? गीता में भी लिखा हुआ है मूढ़ा जन्मने जन्मने, ऐसी मूर्ख आत्माएं जो मेरी श्रीमत को नहीं पहचान पाती, श्रीमत पर नहीं चलती, वो मूढ़ आत्माएं जन्म जन्मांतर नरक की योनियों में ही जन्म लेती हैं। यही उनका आजन्म कारावास हो गया। भक्ति मार्ग में हर बात को देह के आधार पर उठाते हैं और ज्ञान मार्ग में हर बात आत्म की स्थिति के आधार पर उठाई जाती है। और शिव तत्व, ईश्वर तत्व या परमात्म तत्व क्या है? ईश माना शासन करना, वर माना श्रेष्ठ, ईश्वर माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने वाला। जैसे अभी बताया, मनुष्यों की दुनिया में जो शासन करते हैं, दंड विधान अपनाते हैं, तो वो हिंसा करते हैं शरीर की। ईश्वरीय शासन ऐसा नहीं है, शारीरिक हिंसा करना नहीं सिखाता। ये तो आत्मा को रियलाइजेशन करना सिखाता है। ईश्वर से ज्यादा अच्छा शासक दुनिया में कोई होता ही नहीं है। सबसे अच्छा शासक होने के कारण उसका नाम रखा गया ईश्वर। दोनों शब्दों को मिला के बनता है ईश्वर। ऐसी आत्मा रूपी तत्व, चैतन्य तत्व जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करता है, किसी को फांसी पर भी नहीं चढ़ाता है, किसी को डंडे भी नहीं लगाता है, प्यार से पढ़ाई पढ़ाता है। 70 साल से भी ऊपर हो गए पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते ईश्वर को, कोई बताए किसी को टेढ़ी आंख से भी देखा हो, फिर भी नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो जाती है। ऐसा श्रेष्ठ शासक और दुनिया में न कोई हुआ है और न भविष्य में कोई होगा, इसलिए उसको ईश्वर कहा जाता है। वो श्रेष्ठ शासन करने वाली आत्मा शिव आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाली परम आत्मा में प्रवेश करता है, इसलिए फिर वो परमात्म तत्व भी है। लेकिन चैतन्य आत्मा है तब कहा जाता है सत्त चित्त आनंद। कोई ने पूछा है आम फलों का राजा है,
और केला फलों की रानी है। फलों की रानी वर्ष भर बारहों मास फलती है, मिलती है, लेकिन आम हर सीजन में नहीं मिलता है। इसका बेहद का अर्थ क्या है? बेहद अर्थ में फलों का राजा कौन है? संस्कृत में कहते हैं आम्र, आया और मरा। बाबा कहते हैं तीन प्रकार के पतंगे हैं। एक वो पतंगे हैं जो आते हैं और तुरंत मर जाते हैं, क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, तुरंत दान, क्या कहा, महान कल्याण, वो है फर्स्ट क्लास पतंगे, ऊंचते ऊंचे पद पाने वाले। चैतन्य पुरुषार्थियों की बात है। दूसरे हैं, आते तो हैं, चक्कर भी काटते हैं, लेकिन चक्कर लगाते हुए आने मात्र से उनकी मूछ जलती है, टांग जलती है, हाथ झुलसता है, तो भाग खड़े होते हैं, फिर आते हैं, फिर भागते हैं, फिर आते हैं, फिर भागते हैं, ऐसे चक्कर ही काटते रहते हैं। आए बिगर भी उनसे नहीं रहा जाता और भागे बिगर भी नहीं रहा जाता। आने के लिए भी मजबूर हैं और भागने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। वो है नंबर दो के पतंगे, और तीसरे वो हैं थर्ड क्लास, जो एक बार आते हैं, अंग झुलस गए तो ऐसे भागे फिर दोबारा आते ही नहीं। भले सारी दुनिया का विनाश हो जाए तो भी नहीं आते। तो उनमें श्रेष्ठ फल बताया आम्र, आया और मरा। वो आम्र फल कौन है? अव्वल नंबर का है आम की वैरायटी तो अनेक प्रकार की होती है। लेकिन देसी आम अच्छा होता है या सेहत के लिए विदेशी आम अच्छा होता है? हैं? देसी आम अच्छा होता है। तो वो देसी आम है भारत का पाटधारी, देसी आम सीजन में एक ही बार फलता है। बाकी अभी तो फलों की ऐसी ऐसी वैरायटी निकल पड़ी है आम की, जो दो दो तीन तीन बार भी फल देती है। वो ऐसी पुरुषार्थी आत्मा है जो पुरुषार्थ करके
84 का चक्कर लगाने के बावजूद पूरे 5000 वर्ष के चक्र में एक ही बार विश्व का मालिक बनती है। और फलों की रानी है केला, वो कौन सा केला है? केलों में भी वैरायटी होती है, छोटा केला अच्छा होता है या बड़ा केला अच्छा होता है? हैं? छोटा केला अच्छा होता है। छोटा केला है, छोटी माँ, और बड़ा केला है बड़ी माँ। कौन से प्रदेश में केला सबसे जास्ती होता है? है? छोटा केला कौन से प्रदेश में सबसे जास्ती होता है? है? अरे है? भारत में, दक्षिण भारत में भी प्रदेश कौन सा? अरे वो छोटा जीरा केला जिसे कहते हैं, हैं? आंध्र प्रदेश, नाम क्या रखा है? आंध्रा। आंध्रा लगड़े की कहानी सुनी है क्या? अंधी है विजयमाला और लंगड़ी है रुद्रमाला, तो नाम क्या रखा? आंध्रा। सागर के बहुत नजदीक कौन सा प्रदेश है? है? जो प्रदेश का सबसे जास्ती लंबा हिस्सा, सबसे जास्ती लंबा किनारा आंध्र प्रदेश में है। सागर के नजदीक नजदीक फैला हुआ है। दिल से नजदीक है या दिमाग से नजदीक है? है? दिल से नजदीक है। वो विजयमाला की हेड कौन है? है? छोटी माँ। वो हर जन्म में पवित्रता का पालन करने वाली है। कि सिर्फ संगम युग में पवित्र बन करके सबसे ऊंचा पार्ट बजाती है, हर सीजन में ही उसका पवित्रता का पार्ट है। देयर इज प्योरिटी, देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ऐसे को नहीं कि कोई एक सीजन में एक दो महीने में फलती है, वो सदैव ही फलीभूत है। और हाँ जी, कुमार का नहीं होता है, कुमारों का नहीं होता। कुमार अभी नाम बाला कर रहे हैं कि शादियां करते जा रहे हैं? हैं? या गुपचुप शादी कर लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, कोई उंगली भी नहीं उठा सकता कि इन्होंने क्या किया। है? कुमार है, कुमार जीवन में ज्यादा पाप कर रहे हैं या युगल ज्यादा पाप कर रहे हैं? है? बोलो ना। है?
अरे बोलने में थोड़ी शर्म आनी चाहिए है? कुमार ज्यादा पाप करते हैं तो ज्यादा लंबे समय पुरुषार्थी जीवन में जो पाप करेंगे उनका नाम बाला होगा, या जो ज्यादा लंबे समय पुरुषार्थी जीवन में नाम बाला करेंगे उनका नाम बाला होगा? लंबे समय के पुरुषार्थ को देखा जाता है ना, इसलिए बोला कि भविष्य में जब रिजल्ट निकलेगा तो युगलों का नाम बाला होगा। हरे कुमार शादी करके युगल बन जाए। हरे कुमार शादी करे युगल बने, माने ज्ञान में आने के बाद एंगेजमेंट नहीं किया है, है? जिसके साथ एंगेजमेंट किया है वो पसंद नहीं आया है? पसंद भी आया फिर दूसरी शादी भी करनी है, ये क्या बात हुई? और बाबा कई मुरलियों में बाबा ने बताया यमुना की कंठे पर सुखदाम होती है, लेकिन भारतवासियों ने गंगा को बहुत मानते हैं, मान्यता देते हैं, ज्ञान गंगा भी कहते हैं, उसके किनारे पर क्यों नहीं होती सुखदाम? एक है गोरी नदी और एक है काली नदी। काली माना पतित और गोरी माना पावन। गृहस्थी ज्यादा काले बनते हैं या सन्यासी ज्यादा काले बनते हैं? गंगा गृहस्थियों में है या सन्यासियों में है? है सन्यासियों में है। तो भगवान बाप सन्यासियों के बीच में प्रत्यक्ष होते हैं या गृहस्थियों के बीच में प्रत्यक्ष होते हैं? गृहस्थियों के बीच में प्रत्यक्ष होते हैं। जो गृहस्थी हैं वो ही यमुना जैसा काला जीवन बिताते हैं। लेकिन यमुना माँ के बिना और सरस्वती ज्यादा तंग किया है बाप से, इसके किनारे क्यों नहीं है? सरस्वती नदी के किनारे क्यों नहीं? सरस्वती नदी नहीं, सरस्वती ज्यादा टाइम बाप के पास रह गए ना, सरस्वती नदी। लेकिन लोप भी तो हो जाती है, अभी सरस्वती जगदम्बा लोप है या दिखाई देती है? बेसिक में भी बीच में आती है, बीच में लोप हो जाती है। एडवांस में भी बीच में प्रत्यक्ष होती है, बीच में ही लोप हो जाती है। इसलिए गंगा यमुना देखने में आती है। और परीक्षा नहीं ले जानी चाहिए कि कितनी शक्ति है, मुकाबला करने की कितनी पावर है, इस बात की परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है? और परीक्षा जिंदगी भर होती है या थोड़े टाइम के लिए होती है? है? परीक्षा थोड़े दिनों की होती है या सारी जिंदगी की होती है? थोड़े दिन की परीक्षा होती है, तो वो थोड़े दिन की परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। परीक्षा में अगर पास नहीं होंगे तो फिर ऊंच पद कैसे पावेंगे? दुनिया तो प्रूफ मांगती है
इन आत्माओं में ऐसी कौन सी विशेषता है जो इनका माला में इतना ऊंच पद बन गया, हमारा नंबर आगे क्यों नहीं रहा? तो उनको क्या प्रूफ दिया जाएगा? यही प्रूफ दिया जाएगा, जो सच्चा होता है वो लंबे समय तक स्थायी रहता है, जो झूठ होता है उसके पांव नहीं होते हैं, भाग जाता है, लोप हो जाता है। बालाजी के मंदिर में चावल का भोग देते हैं, लेकिन हरेक आत्मा लड्डू का महत्व क्यों देती है? चावल पकाने के बाद लड्डू बन जाए वो चावल अच्छा लगता है, या अलग अलग हो जाए वो अच्छा लगता है? है? कौन सा चावल खाने में अच्छा लगता है? है? जो चावल अलग अलग हो जाता है वो अच्छा लगता है। ये आत्मा भी चावल है, जब देह अभिमान का पूरा छिलका उतर जाता है और पुरुषार्थ में आत्मा पक जाती है, तो हर आत्मा का संस्कार एक दूसरे से भिन्न नजर आता है। एक आत्मा का संस्कार दूसरे से मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का भोग भगवान पसंद करते हैं, लेकिन मनुष्य लड्डू पसंद करते हैं। लड्डू का मतलब है संगठन। मनुष्य संगठन में रहना पसंद करता है या अकेला रहना पसंद करता है? संगठन में रहना पसंद करता है। जो आत्म की स्थिति धारण करने वाले हैं वो आत्म की स्थिति में आत्माएं स्वतंत्र रूप से रहती हैं, एक दूसरे का आधार लेकर के नहीं रहती। लड्डू में सब एक दूसरे से चिपक के रहते हैं, संगठित होकर के रहते हैं। ऐसे संगठन का जीवन सामाजिक प्राणी मनुष्य है, उसको अच्छा लगता है। और है ज्यादा इस्लाम धर्म की आत्माएं संगठन में रहने में सबसे आगे, और धर्म इतने संगठित होकर के नहीं रहते हैं। वो संगठन उनका सतयुग त्रेता में प्रत्यक्ष होता है या द्वापर कलयुग में प्रत्यक्ष होता है? क्यों है? नहीं, उनके संगठन की यूनिटी की प्योरिटी तमो प्रधान युग में प्रत्यक्ष होती है। उनके अंदर ये नियम बना हुआ है कि कोई भी मुसलमान ज्यादा से ज्यादा 4 शादियां कर सकता है, उससे ज्यादा शादियां करके अगर कोई रहेगा तो उसको शासन दंड देता है। और हिंदुओं में
ऐसी कोई नियमावली नहीं है। तो ज्यादा अपवित्र कौन हुए? हिंदू ज्यादा अपवित्र बनते हैं या मुसलमान ज्यादा अपवित्र बनते हैं? है कौन? हिंदू ज्यादा अपवित्र बनते हैं। ज्यादा इम्प्योरिटी साबित करती है कि उनमें प्योरिटी नहीं है। तो मुसलमानों की यूनिटी है कलयुगी और भारतवासियों की यूनिटी है कौन सी? सतयुगी। वो सतयुगी यूनिटी भगवान आकर के स्थापन करते हैं। क्या पूछा है? सतयुग संगम युग में लक्ष्मी नारायण सतयुग के राधा कृष्ण को जन्म देते हैं, तो सतयुगी लक्ष्मी नारायण को कौन जन्म देंगे? अरे खुद ही तो बता दिया, संगम युग ही देंगे। हनुमान की पूंछ में सारे वस्त्र लपेट कर जलाने के लिए मिट्टी का तेल छिड़क दिया, तो वस्त्र माना क्या और मिट्टी का तेल माना क्या? वस्त्र माना क्या हुआ? है रावण की लंका में जितने अच्छे अच्छे वस्त्र थे वो शरीर रूपी वस्त्र सब हनुमान की देह अभिमान की पूंछ में उनकी बुद्धि लटक गई, वो वस्त्र उस पूंछ में चिपक गए। और मिट्टी का तेल माने देह अभिमान की मिट्टी के तेल की आग लगाई दी गई। जब देह अभिमान की आग लगती है शरीर में तो कौन सा विकार उत्पन्न होता है? है काम विकार उत्पन्न होता है। वो काम अग्नि में पूंछ जोर से जलने लग पड़ी और सारी लंका जल गई। देह अभिमानियों की लंका में जोर से आग लग गई। आज की जो समाज की गतिविधि है, सामाजिक ढांचा है, उसमें जो परिवारों की गतिविधि है, उन परिवारों में गरीब परिवार भी हैं और साहूकारों के परिवार भी हैं। ज्यादा देह अभिमान साहूकार परिवारों में है या गरीब परिवारों में है? है ज्यादा लोकलाज कुल मान मर्यादा साहूकारों में रहती है। और जब हनुमान की पूंछ में आग लगती है तो रावण की लंका में जो भी सुंदर सुंदर वस्त्र हैं वो कन्याएं माताएं साहूकारों के घरों को छोड़ करके भगवान के पीछे भागती हैं। तो गरीबों को ज्यादा आग लगेगी, वो ज्यादा गुस्से में आएंगे या साहूकार ज्यादा गुस्से में आएंगे? ज्यादा गुस्से में कौन आवेंगे? ज्यादा मान मर्तबे को ठेस किसको पहुंचेगी? साहूकारों को ज्यादा ठेस पहुंचती है और रावण की लंका जलने लगती है। स्थूल आग की बात है यह दिल को जलाने की बात है? दिल को जलाने की बात है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में एक अज भूल दिखाई गई है। क्या क्या एक ही भूल दिखाई गई है लक्ष्मी नारायण के चित्र में?
क्या हा? लिखत में क्या दिखाई गई है? अरे वो एक अज भूल तो बताओ क्या दिखाई गई है? हा? गीता का भगवान लक्ष्मी नारायण के चित्र में है, है? क्या लिखत लिखी है? है? तो एक अज भूल क्या दिखाई गई वो तो बताओ। बाबा गीता में बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है, शिव बाबा के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो सीटिंग पीरियड में इसकी शूटिंग कैसे होती है? क्या बेसिक वालों ने पिताश्री का नाम डाल दिया? ये शूटिंग हो गई? तो एडवांस वाले तो उनके भी बीज हैं, तो एडवांस वालों की शूटिंग में शूटिंग पीरियड में क्या भूल हो जाती है, है? अरे भूल ही भूल होती रहेगी कि भूल में भी यह भूल सिद्ध हो जाएगा। एडवांस में संगम की कृष्ण गीता का भगवान साबित हो जाता है, परंतु ये भी बता दिया है कि नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। तो ये शंकर नारायण कृष्ण प्रजापिता ये एक ही व्यक्तित्व के अलग अलग नाम हैं, यह व्यक्तित्व अलग अलग हैं, एक ही व्यक्तित्व के चार नाम दिए गए हैं और चारों ही नामों से एक पर्सनालिटी साबित होती है, जिस पर्सनालिटी में शिव बाबा भी प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए एडवांस की वो भूल भूल नहीं है, अभूल साबित हो जाती है। और भगवान को ज्ञानी कराया मनुष्य ने किया है कि मनुष्य ने किया है कि भगवान को सर्वव्यापी बोलते हैं, भगवान सर्वव्यापी है बोलते पता है, तो जैसे बाप है वैसे बच्चे बाप समान बोलते अष्टदेव को क्या ज्ञानी अष्टदेव अष्टदेवों की क्या ग्लानी होगी, 108 की क्या ग्लानी होगी, 1008 की क्या ग्लानी होगी, 16108 की क्या ग्लानी होगी, या 9 लाख की क्या ग्लानी होगी, क्या मतलब? बाप की तो ग्लानी ये होती है कि बाप को सर्वव्यापी कह दिया है, तो भक्ति मार्ग में जो सर्वव्यापी कह दिया है वो ज्ञान मार्ग में उसकी शूटिंग कैसे होती है, ये बात पूछी जा सकती है। ज्ञान मार्ग में शिव बाप तो एक व्यापी ही रहता है,
मुकर्रर रथ में ही व्याप्त होता है, लेकिन जिस मुकर्रर रथ में व्यापी होकर के आता है उस मुकर्रर रथ की याद की शक्ति हर एक आत्मा में नंबरवार समा जाती है। जो कल्प के अंत तक काम देती है, इसलिए संसार में ये गायन चल जाता है कि भगवान सर्वव्यापी है। अर्थात साकार की याद सहज है या निराकार की याद सहज है? साकार की याद सहज होने के कारण दुनिया के हर मनुष्य मात्र की बुद्धि में वो याद समा जाती है, और हर मनुष्य मात्र के जो याद के वाइब्रेशन है वो जड़त्वमयी प्रकृति के पांच तत्वों में समा जाते हैं, याद के वाइब्रेशन। इसलिए भक्ति मार्ग में कहा जाता है कण कण में व्यापक है। वो कण कण भी अविनाशी है, पांच तत्व भी अविनाशी हैं, सिर्फ रूप बदलते हैं। जैसे आत्मा है तमोप्रधान, सतोप्रधान से तमोप्रधान बन जाती है। भगवान सर्वव्यापी नहीं होता है, लेकिन वास्तव में भगवान जिस तन में प्रवेश करता है उसकी याद सारी दुनिया में व्याप्त हो जाती है। उसी को दुनिया वालों ने कह दिया है भगवान सर्वव्यापी है। फिर कह दिया आत्मा सो परमात्मा। वास्तव में हर आत्मा परमात्मा नहीं है। परमपिता जिस आत्मा में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं वो आत्मा ही हीरो पार्टधारी परमात्मा का पार्ट बजाती है। परंतु बाप की पहचान न होने के कारण भक्ति मार्ग में हर आत्मा को समझ लिया आत्मा सु परमात्मा। सद्दाम हुसैन फांसी चढ़ाया गया था हाँ। और ओस्मान बिन लादेन को गन से शूट किया गया हाँ। और अभी जो गद्दाफी बोलकर एक राजा था उसको भी शूट किया गया हाँ। तो ज्ञान के तालुक में उसका क्या? वो तो जो ज्यादा दुख देंगे वो दुखी होके मरेंगे। ईश्वरीय नियम तो यही बना हुआ है कि जो दूसरों को ज्यादा दुख देते हैं उनका अंत भी दुख से ही होता है। ऐसे थोड़े ही कि हंसते हंसते शरीर छोड़ेंगे। हिंसा करेंगे तो हिंसा ही मिलेगी। और Thank you.
नीलकंठ। हाँ हाँ, तो यहाँ भी एक ऊंची स्टेज में उड़ने वाला नीलकंठ है। कौन है जिसका कंठ नीला दिखाया गया है? है शंकर है। वो कीड़े मकोड़ों को खाता है, दुखदाइयों को खाता है या सुखदाइयों को खाता है? है जो विष है, विषैले हैं, वो दुखदाई हैं या सुखदाई हैं? है दुखदाई हैं, उन कीड़े मकोड़ों को खाता है। और आप बहुत पीछे क्यों बैठते हैं? जो आपकी आवाज भरती नहीं है ठीक से, हमारे कानों में भी नहीं आती। इधर आके आगे आके बैठो। ब्रह्मा बाबा विदेश में यात्रा करना चाहते थे। हाँ, उनका सूक्ष्म शरीर जिस धरती में आके प्रवेश करके कार्य करता है वो विदेश में चले जाए। मना स्थूल शरीर विदेश में नहीं जा सका, लेकिन सूक्ष्म शरीर देश विदेश सारी दुनिया का चक्कर लगा रहा है। हाँ लगाएगा, इसलिए लगाएगा कि साकार शरीर से माता का पार्ट था। माता घर संभालती है या बाहर संभालती है? घर संभालती है, इसलिए साकार शरीर से उनका विदेशों में, बाहर के देशों में चक्कर लगाने का पार्ट नहीं है, अंदर ही रह करके उन्होंने पार्ट बजाया। और साकार शरीर छूट गया, माँ का पार्ट खलास हो गया, अब पिता के रूप में वो आत्मा अर्धनारीश्वर के रूप में सारी दुनिया में चक्कर लगाएगी। बाप बाहर संभालता है, माता घर संभालती है। तो केस जो किया जाता है, अनेक केस किए गए, सारे झूठे साबित हो गए कि सच्चे साबित हो गए? हैं? जो केस हुए उन केसों में ज्यादातर केस झूठे साबित हो गए या सच्चे साबित हुए? तो जो रह गए हैं वो भी झूठे साबित हो जाएंगे। शास्त्रों में एक नारायण ही है जिसकी कोई भी युद्ध में कभी भी हार नहीं हुई है। तो ये भी दुनिया एक युद्ध है, ये केस तो ढेर के ढेर लगते रहते हैं, लेकिन जो भी केस लगते हैं वो झूठे केस लगाए गए हैं या सच्चे लगाए गए हैं? झूठे केस हैं तो झूठे साबित हो जाते हैं। जगदम्बा भी सच्ची है, नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। है विदेशी बच्चों से मिलेगी कि मिली हुई है? जब जगत की अम्बा है तो जगत में विदेशी है या नहीं है? विदेशियों की भी अम्बा है या नहीं है? माँ होती है तो कोई बच्चा लूला लंगड़ा लुच्चा लफंगा चोर डकैत बेबिचारी वैश्यावृत्ति वाला भी होता है तो उस बच्चे को गोद में से बाहर फेंक देना चाहती है या अंदर रखना चाहती है? तो ये माँ की प्रवृत्ति है, माँ का संस्कार है, उसका नाम ही है जगदम्बा। सारे जगत में जो भी धर्म वाली आत्माएं हैं वो सब की अम्बा है। ये दिल्ली ही एक ऐसा तख्ता है
जिस दिल्ली के तख्ते पर हर धर्म मैंने राज्य किया है। बाबा सब सभी को कहते हैं सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगदम्बा, लेकिन वो तो अभी लोप हो गए ना, कभी पूर्ण हो जाएगा। लोप ही बनी रहेगी या प्रत्यक्ष भी होगी। अव्यक्त वाणी में कहा है जगदम्बा अभी घूंघट में है, तो सदैव घूंघट में ही रहेगी या घूंघट से बाहर भी आएगी? बाहर भी आएगी तो घूंघट में थोड़ा ही रहेगी हमेशा। और विष्णु का पार्ट अपने परिवार वालों को दुख देते हैं या सुख देते हैं? जो उनके परिवार के बीवी बाल बच्चे हैं उनको दास दासी बनाए देते हैं, खुद भाग जाते हैं, तो दुखी बनाए देते हैं या सुखी बनाए देते हैं? दुखी बनाए दिया तो सारी दुनिया का कोई कल्याण करे और अपने परिवार वालों को खैरात ना बांटे तो दुख देने वाला हुआ या सुख देने वाला हुआ? हाँ जी, न ज्यादा नरम न ज्यादा गरम। सहन शक्ति की जगह सहन शक्ति से काम लेना और सामना करने की जगह सामना करने से काम लेना, उसको कहा जाता है विष्णु। बैलेंस में रहना। ओम शांति।